हेलो एवरीवन। तो गाइस एप्पल की तरफ से इवेंट रखा गया जिसपे उन्होंने 5-6 प्रोडक्ट्स जो हैं अपने लॉन्च किए, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया है उनके इवेंट में, उनके लॉन्च इवेंट में, वो आया है एप्पल का प्रेजेंटेशन, यानी कि उनके बताने का तरीका। पूरे अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो एप्पल ने बढ़िया आराम से खुल के बताया, जिसके कारण पूरे ऑडिटोरियम में एक तरीके का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया कि भाई एप्पल जो है कमाल के एडवांस फीचर लेकर आया है। लेकिन हकीकत जो है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एप्पल ने कवर नहीं किए हैं जिनको मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और कुछ पार्ट्स में जो है मैंने डिवाइड किया है इस वीडियो को। जैसे कि कुछ अच्छे पॉइंट जो वाकई में काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, उसके साथ साथ कुछ बैड पॉइंट यानी कि जो मुझे अच्छे नहीं लगे, और कुछ जो है अगली पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास है, एप्पल को लाइक वो करना ही नहीं चाहिए था वो काम जो है एप्पल ने किया है। तो गाइस ये तीन सेगमेंट जो है मैंने बनाए हैं, तो आप लोग वीडियो आराम से अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है आप लोगों को इस वीडियो में पता पड़ने वाली है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको जस्ट प्रेस करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो गाइस मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके गुड पॉइंट्स, यानी कि आईफोन 11 प्रो में आपको क्या क्या अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो भाई सबसे पहला जो अच्छा फीचर मुझे लगा है वो लगा है इनके ट्रिपल कैमरा का। तो भाई पूरा इवेंट जो है एप्पल की तरफ से लाइक पूरी तरीके से फोकस था इनके कैमरा बेस के ऊपर। तो सबसे पहला जो इसमें आपको कैमरा देखने को मिलता है वो मिलता है 12 मेगापिक्सल का। ये जो है एक तरीके से एक नया मेंबर है कैमरा इनके एप्पल के अभी तक के कैमरा फैमिली में। तो ये जो है एक तरीके से अल्ट्रा वाइड कैमरा है, लाइक आपको बहुत बड़ा स्पेस देखने को मिलेगा, 120 डिग्री तक ये चला जाएगा। उसके इसमें आपको 0.5x तक का जो है ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। दोनों ही फोटोज और वीडियोस लेते टाइम आपको इस तरीके की फीचर्स देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ये जो कैमरा है वो 4K 60 फ्रेम सेकंड तक जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और जो सेकंड कैमरा इसमें आपको देखने को मिलता है वो 12 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। ये जो कैमरा है वो पूरी तरीके से फोकस्ड है ऑटो फोकस वगैरह पे, लाइक आपको इंप्रूव्ड ऑटो फोकस जो है इसमें देखने को मिलेगा। और जो थर्ड कैमरा आपको मिलता है, यानी कि इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है। ये जो है वो पूरी तरीके से पिक्सल बेस्ड है, यानी कि पिक्सल्स के लिए जो है इसको रखा गया है जो कि प्राइमरी है। तो तीनों ही जो है आपको 12 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पे एप्पल जो है वो एक तरीके से स्मार्ट गेम खेल गया है, वो ये है कि ये जो तीनों कैमरे हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों एक ही टाइम पे जो है काम कर सकते हैं एक साथ। अभी तक ऐसा कोई भी फोन नहीं है जिनमें जो है आपको तीनों कैमरा या ट्रिपल कैमरा का जो सेट है वो एक साथ काम करते हो। तो भाई तीनों कैमरा एक साथ यूज करने के फायदे ये हैं कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आपको अल्ट्रा वाइड शॉट चाहिए या फिर बिल्कुल जूम वाला शॉट चाहिए। आप जो है तीनों को जो है एक साथ यूज कर सकते हो और अपनी वीडियो क्वालिटी को काफी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। वहीं अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल तक का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप जो है 4K 60 फ्रेम सेकंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और सबसे अच्छा जो फीचर मुझे इस कैमरा में लगा है फ्रंट कैमरा में वो ये है कि भाई आप सेल्फी कैमरा के थ्रू ही जो है स्लो मोशन बना सकते हो। काफी अच्छा और एडवांस फीचर है जो कि अभी तक किसी भी फोन में नहीं आया है। और एक और पॉइंट जो मुझे कवर करना है कैमरा सेगमेंट में वो ये है कि भाई नाइट मोड भी जो है आपको इसमें काफी इंप्रूव्ड मिलता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे गुड पॉइंट की, तो वो हमें मिल जाता है इसके बैटरी से रिलेटेड। तो गाइस बैटरी जो है काफी ज्यादा इंप्रूव की गई है आईफोन 11 प्रो में। एप्पल ने जो है कंपेयर किया है अपने पुराने आईफोन एक्सेस मैक्स के साथ, तो भाई आपको आईफोन 11 प्रो में 4 घंटे की ज्यादा बैटरी बैकअप मिलने वाला है। उसके साथ साथ जो मेजर अपग्रेड एप्पल की तरफ से मिला है वो मिला है 18 वॉट चार्जर का। तो भाई आपको बॉक्स में ही जो है अब 18 वॉट चार्जर मिलेगा। आई नो एप्पल बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, लाइक 4-5 साल से बाकी की चाइनीज़ कंपनीज हो गई या फिर कोई, अगर मैं बात करूँ सैमसंग वगैरह, वो ऑलरेडी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन फाइनली अब जो है एप्पल ने फास्ट चार्जिंग पे आगे बढ़े हैं और आपको बॉक्स में ही जो है 18 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके थर्ड गुड पॉइंट की, तो वो ये है कि भाई इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, यानी कि इसमें जो वाटर रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ तो वो ये कि भाई अपने आईफोन 11 प्रो को आप 4 मीटर तक पानी के अंदर डाल के रख सकते हो, वो भी आधे घंटे के लिए। अब अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इसमें आपको रेटिना XDR डिस्प्ले मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। लेकिन जो सबसे इंप्रूवमेंट वाली डिस्प्ले में बात हुई है वो इसके ब्राइटनेस से रिलेटेड हुई है। ब्राइटनेस का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इंप्रूव कर दिया
दिया गया है और भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है आईफोन 11 प्रो की वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और कैमरा के बाद इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जो है काफी ज्यादा बात की गई थी। तो भाई आपको जो है इसमें A13 का बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है और ये जो चिपसेट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट चिपसेट है अगर मैं कंपेयर करता हूँ इनके पुराने फोन से आईफोन एक्सिस मैक्स के साथ जो है एप्पल ने कंपेयर किया है और ऐसा बताया कि भाई 2x यानी कि दुगनी स्पीड जो है आपको आईफोन 11 प्रो में देखने को मिलेगी जिसके कारण इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और बैटरी लाइफ वगैरह जो है काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज ये चिपसेट कर देता है। तो अब बात करते हैं इनके बैड पॉइंट्स के बारे में जिनको एप्पल ने जो है हाईलाइट करके नहीं बताया, एक तरीके से कह सकते हैं कि इन फीचर्स को छुपाया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि भाई इसमें आपको 2x जूम मिलता है। मेरे हिसाब से एप्पल जो है भूल चुका था कि ये जो है 2016 नहीं है, आईफोन 7 प्लस को वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये 2019 है जहां पे आपको जो है 3x जूम काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। आपको सस्ते फोन जो बजट वाले फोन होते हैं, चाइनीज फोन जो इंडिया में मिल रहे हैं, उनमें आपको 3x जूम की कैपेबिलिटी मिल जाती है। मेरे हिसाब से अगर ये प्रो फोन रिलीज कर रहे हैं इनको 5x जूम जो है देना ही चाहिए था, तो भाई 2x जूम इन्होंने दिया है जो कि काफी ज्यादा बेकार बात मुझे लगी है। अब अगर इसके दूसरे बैड पॉइंट की बात करें तो वो है इसका नॉच। तो गाइस 2019 में जहां पे आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन फुल स्क्रीन डिस्प्ले साइज वाले फोन मिल रहे हैं वहां पे आपको भाई आईफोन 11 प्रो में बड़ा सा नॉच देखने को मिलेगा। तो भाई एप्पल पता नहीं क्या कर रहा है, आई नो उसका जो नॉच है उसमें आपको काफी इंप्रूव फेस आईडी मिलता है, लेकिन इनोवेशन की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो एप्पल से ही रखी जाती है। कुछ तो कर सकते थे वो नॉच को कम करने के। उसके साथ उसमें जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं मिलता है। एक और जो चीज मुझे डिस्प्ले में अच्छी नहीं लगी है वो ये कि भाई इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज तक का जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। iPad Pro जो उन्होंने 2017 में रिलीज किया था उसमें आपको जो है 128 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, कम से कम 60 नहीं तो 90 हर्ट्ज तक तो जो है उसमें देना ही चाहिए था। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिसके कारण iPhone 11 Pro एक तरीके से प्रो नहीं कहलाता है, डिसअपॉइंटिंग जो है एक तरीके से लोगों को कर दिया है। अब बात करते हैं सबसे अगलीएस्ट पॉइंट यानी कि सबसे ज्यादा बुरे पॉइंट जो iPhone 11 Pro में मुझे लगे हैं, मुझे क्या ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगे हैं। सबसे पहला ये कि भाई बहुत ही ज्यादा महंगा है iPhone 11 Pro और महंगे के साथ साथ उस तरीके के स्टोरेज आपको नहीं दे रहा है। आप 1,00,000 रुपए दे रहे हो और आपको मिलता है 64GB इंटरनल स्टोरेज। आप समझ सकते हैं 64GB इंटरनल स्टोरेज आज के टाइम पे कुछ नहीं है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो 4K 60 फ्रेम सेकंड पर जो वीडियो रिकॉर्ड होगी, अगर आप एक मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वो जो एक मिनट के साइज होने वाला है वो 500 से 600 MB तक जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि भाई 64GB में आपका क्या होगा अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हो। तो वहीं अगर बात करूँ Samsung Galaxy Note 10 की तो वो आपको 256GB दे रहा है सेम प्राइस में जो जिसमें आपको iPhone 11 Pro जो है 64GB दे रहा है। आई थिंक उससे भी कम प्राइस में जो है आपको 256GB देता है। उसके साथ साथ इसमें जो है आपको टाइप सी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लोगों को उम्मीद थी कि भाई टाइप सी आएगा क्योंकि अभी के टाइम पे जो है फोन की जनरेशन जो है पूरी तरीके से टाइप सी हो गई है। फोन के बाकी के डिवाइसेज भी जो है वो टाइप सी पे निर्भर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है में आपको लाइटनिंग केबल ही मिलती है, ये भी जो है काफी बड़ा ड्रॉबैक है। तो गाइस जितने भी मैंने अभी पॉइंट बताए हैं उसके बेसिस पे आप ये मत जज करिए कि भाई iPhone 11 Pro बहुत ही ज्यादा घटिया फोन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ जो है टॉप नॉच है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको बजट फोन में भी देखने को मिलते हैं वो आपको 11 Pro में नहीं मिल रही है, iPhone 11 Pro में नहीं मिल रही है। ये जो चीज़ें एक तरीके से सोचने वाली बात है क्योंकि भाई आप 1,00,000 रुपये दे रहे हो और उसमें भी जो है आपको लाइक बहुत सी ऐसी फीचर है वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो थोड़ी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी है। अगर आप #iPhone फैन है तो आपके लिए फोन काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको 18 वॉट का चार्जर मिल रहा है, 18 वॉट का चार्जर मिल रहा है राइट। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे जो है आप लोगों को सच्चाई बतानी थी इस फोन की कि भाई क्या अच्छे पॉइंट है क्या बुरे पॉइंट है। प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्या पसंद आया, आपको क्या पसंद नहीं आया, या फिर आपको क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्लीज डरिए मत, आराम से कमेंट करिए, वहां पे अपन डिस्कस करते हैं, बात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।